उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। संत मत्ती अध्याय 26 वाक्यांश 26 से 28। सबको जय यीशु। मैं फादर आलोक नायक आप सभी का बरेली धर्म प्रांत के सत्संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यूक्रिस्त श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे, जो है यूक्रिस्तीय चमत्कार। ये चमत्कार हमें यीशु मसीह की वास्तविक उपस्थिति का प्रमाण देता है और हमारे विश्वास को और भी मजबूत बनाते हैं। आज हम तीन सबसे प्रसिद्ध यूक्रिस्तीय चमत्कारों के बारे में जानेंगे, जो विश्व भर में फैला हुआ है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, और एक चमत्कार जो भारत में हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। ये हमारे विश्वास को गहराई से समझने और मजबूत करने को एक अनोखा अवसर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रिस्ती चमत्कार ऐसे अद्भुत घटनाएं हैं जिसमें यूक्रिस्त के तत्व यानी रोटी और दाखरस असाधारण रूप से यीशु मसीह के शरीर और रक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। इतिहास में कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिन्होंने ना केवल स्थानीय समुदायों को बल्कि विश्व भर के ईसाइयों के विश्वास को गहराई से प्रभावित किया है। आज हम इनमें से चार अनोखे चमत्कारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला चमत्कार है लानसियानो, इटली में 8वीं सदी में हुआ। लानसियानो के यूक्रिस्ती चमत्कार शायद ही सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस चमत्कार की शुरुआत एक वेसिनियस मंक यानी भिक्षु जो एक कैथोलिक पुरोहित थे, वे अपने विश्वास में संदेह कर रहे थे, उनके जीवन में घटित हुआ। एक दिन जब वे यूक्रिस्त मना रहे थे, उन्होंने रोटी और दाखरस को प्रभु येसु के शरीर और रक्त में बदलने के लिए यूक्रिस्तीय प्रार्थना की, और तभी रोटी और दाखरस प्रभु येसु के शरीर और रक्त में परिवर्तित हो गए। रोटी जो मांस का एक टुकड़ा बन गया और मानव दिल के मांस के समान हो गया, और दाखरस रक्त में परिवर्तित हो गया और पांच छोटे छोटे थक्कों में जम गया। वाइन टर्न्ड इनटू ब्लड एंड सॉलिडिफाइड इनटू फाइव स्मॉल क्लॉट्स। 1971 में वैज्ञानिक परीक्षण किए गए जिनमें पाया गया कि मांस और रक्त मानव हृदय के रक्त के समान है। जी हाँ, यह चमत्कार हम सबों को प्रभु येसु में गहराई से विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है। दूसरा चमत्कार ओरेवियतो बोलसेना के इटली में हुआ, जो कि 1263 में हुआ। यह चमत्कार एक जर्मन पुरोहित के साथ हुआ जो रोम की तीर्थ यात्रा पर थे। उन्होंने इटली के बोलसेना नामक जगह में यूक्रिस्ती मनाया और अचानक यूक्रिस्त की रोटी से रक्त टपकने लगा और वेदी पर गिर गया। यह कपड़ा आज भी ओरेवियतो में संरक्षित है और इसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह घटना पवित्र यूक्रिस्त के पर्व यानी फीस्ट ऑफ कॉर्पस क्रिस्ती का प्रेरणा स्रोत बनी, जो हमें यूक्रिस्त के महत्व और उसकी शक्ति की याद दिलाता है। तीसरा चमत्कार सियना, इटली में 1730 को हुआ। 1730 में सियना में चोरों ने गिरजाघर से यूक्रिस्त की रोटियां चुरा ली। कुछ दिनों बाद ये रोटियां एक लावारिस डिब्बों में मिला।
इन्हें वापस गिरजाघर लाया गया। और अद्भुत बात यह है कि ये रोटियां बिना किसी क्षति के आज भी सुरक्षित है, 300 साल से अधिक समय तक ताजा बनी रही है। वैज्ञानिक परीक्षणों ने यह साबित किया कि इन रोटियों की स्थिति आज भी वैसे ही है जैसे वे 1730 में थी। यह चमत्कार हमें यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति और उनकी सुरक्षा की याद दिलाता है। और चौथा हमारे भारत देश कुन्नूर तमिलनाडु से है, जो 5 जून 2001 को हुआ। 2001 में तमिलनाडु के कुन्नूर में सेंट मैरी चर्च में यूखरिस्त के दौरान एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पवित्र परम प्रसाद पर यीशु मसीह का चेहरा स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। यह घटना हजारों भक्तों द्वारा देखी गई और मान्यता प्राप्त की गई। यह चमत्कार हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह की उपस्थिति हर समय हमारे साथ है और वह हमारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, यह चमत्कार हमें यीशु मसीह की वास्तविक उपस्थिति और उनके असीम प्रेम का प्रमाण देता है। ये घटनाएं हमें यह विश्वास दिलाती है कि यूखरिस्त सिर्फ एक संस्कार नहीं बल्कि यीशु मसीह का वास्तविक शरीर और रक्त है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूखरिस्त चमत्कार हैं, जैसे केरल के चिरट्टकोनम जगह में 2001 को हुआ। इस चमत्कार में एक पवित्र यूखरिस्त में मानव चेहरे की छवि दिखाई दी जिसे यीशु का चेहरा माना जाता है। और एक चमत्कार हम त्रिवेंद्रम में देख पाते हैं। एक परम प्रसाद के जुलूस के दौरान परम प्रसाद से खून निकालने की घटना हुई जिसे कई लोगों ने देखा। और एक चमत्कार तमिलनाडु के मोरापुर 2008 में दिखाई दिया। मिस्सा बलिदान के दौरान परम प्रसाद से खून निकालने की घटना हुई जिसे श्रद्धालुओं ने दिव्य संकेत के रूप में माना। और मुंबई का यूखरिस्त चमत्कार जो 2008 में हमें देखने को मिला, यह निजी चैपल में आराधना के दौरान परम प्रसाद से खून निकालने की घटना हुई जिसे उपस्थित लोगों ने देखा। और यह घटना स्थानीय कैथोलिक समुदाय में आस्था का केंद्र बन गई। तो प्यारे दर्शकों, जब जब हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हम इन चमत्कारों को याद करें। चमत्कार से बढ़कर प्रभु स्वयं हमारे हृदय में परम प्रसाद के रूप में आते हैं। क्या हम लोग उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए सचमुच तैयारी के साथ जाते हैं? अगले वीडियो में हम सभी किस प्रकार से परम प्रसाद को ग्रहण करने से पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे उसके बारे में देखेंगे। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे इस संस्कार के श्रृंखलाओं के अन्य वीडियो को भी ज़रूर देखें। आप सबों को धन्यवाद।